इंसान ज़िंदगी में जब जदोजहद करता है कोशिश करता है वो बहुत सारे दुनियावी इसबाब इख्तियार करता है जितनी अक़ल अल्लाह ने दी होती है उस अक़ल का भी वो इस्तेमाल करता है कोशिश करता है कि कुछ अचीव कर सके ज़िंदगी में कुछ मकासद का हुसूल उसे मैसर आए अज़ीज़ भाइयों एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें और लिख लें कि ज़िंदगी में जो किसी बंदे को कामयाबी हासिल होती है वो रब ताला की मदद से हासिल होती है अगर रब ताला मददगार हो तो फिर कोई चीज़ भी रस्ते में रुकावट नहीं बनती और अगर मालिक करीम को मंजूर ना हो तो इंसान बेहतरीन सियासतदान हो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो उसका जेन बड़ी वसत रखता हो बड़ी अच्छी प्लानिंग करना जानता हो सारा कुछ हो तो बंदा नाकाम हो जाता है मुसलमानों को जितनी कामयाबियाँ मिली उनका पस मंज़र सिर्फ़ इतना था कि अल्लाह तबारक वात ने अपने बंदों की मदद फ़रमाई और अब ताला ने कुरान मजीद में इस हकीकत का बयान किया फ़रमाया भल ला मौला कुम फरमाया, फरमाया बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है वाहू व ख़ैरनासरीन और वह बेहतरीन मददगार है वो जो रब तुम्हारा मौला है वो बेहतरीन मददगार है और अगर वो मदद करे तुम्हारी सुर इमरान में आगे जा कर फरमाया फरमाए अगर अल्लाह मदद करे तो फिर तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता और अगर वो तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कोई तुम्हारी मदद कर सकता कोई मदद नहीं कर सकता बदर की जंग भी और फतेह भी रमज़ान मुबारक में हुआ है मैं दोनों पर गौर कर रहा था तो एक नया मजमून मेरे जहन में आने लगा बदर की जो जंग है उसमें भी एक अजीब इनकलाब आया है कि 313 ने हज़ार से मुकाबला किया और जिन हज़ार से मुकाबला किया वो असलह से लैस थे और ये जो 313 हैं इनके पास छः जिरहें आठ तलवारें चंद घोड़े लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी तो ख़ुद रब ने बयान किया किस तरह दी फरमाया वाल ना बिमान तुम अज़िल्ला वो कामयाबी इस तरह मिली है कि रब ने तुम्हारी मदद की थी तुम तो कमज़ोर थे अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की तुम जीत गए बान भलाकद अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की तुम तो कमज़ोर थे फिर फतेह मक्का नसीब हुई तो उसमें भी बेहतरीन मनसूबा बंदी नबी पाकसलाम ने फरमाई बेहतरीन हमत अमली हजूर ने अपनाई लेकिन हमें जो अल्लाह रसूल ने बात समझाई वो क्या है इज़ा फरमाया जब अल्लाह की मदद आई और फते नसीब हो गई ये अल्लाह ने मदद फरमाई तुम्हारी यहाँ भी मक्का भी अल्लाह की मदद से जंग बदर भी अल्लाह की मदद से वो जो मदद है अल्लाह ताला की जब वो नस... हम ये करते हैं कि हम अपनी सारी ज़िंदगी सियासत की नज़र करते हमारी सियासत सिर्फ मुल्क में नहीं होती हमारी सियासत ख़ानदान में भी होती है हम घर के अंदर भी सियासत करते हैं हम किसी ख़ास तरीके से लोगों को अपने पीछे चलाना चाहते हैं हम एक ख़ास उसलूब इख्तियार करते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें उसका नुकसान हमें ये होता है कि सियासत जो होती है ये शतरंज के हेर फेर की तरह होती है तो इसके रात बड़ी जल्दी खुलने लग जाते हैं पता चल जाता है कि बंदा मुखलिस नहीं था सियासत कर रहा था तरीके सलीके से, से इसने जोड़ के रखा हुआ था हम हर जगह सियासत के बल बोते पर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं सियासतें नाकाम हो जाती हैं सियाणे सियाने लोग फ़ेल हो जाते हैं बचता सिर्फ वही है जिसके पीछे रब ताला की मदद शामिल हाल होती है अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो कुछ भी कर रहे हैं जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक है आज हमने इस बात पे गौर करना है कि पहले तो ये गौर कर लें कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम ऐसा है कि उसमें अल्लाह की मदद हमें मिलेगी अगर आप कोई माज अल्लाह नाजायज़ काम कर रहे हैं फेले हराम का इरतक कर रहे हैं तो उसमें तो मदद इलाही आएगी नहीं पहले तो ये देखें जो कर रहे हैं वो काम मदद इलाही वाला है और अगर अल्लाह ताला की मदद वाला वो काम है फिर उस पर गौर करें कि क्या हमने मालिक से मदद का सवाल किया है हमें मदद मैसर आ रही है वो मैंने बुज़ुर्गों से एक बात सुनी थी वो बड़ी याद रह गई वो फरमाया करते थे काबलीत भी बड़ी चीज़ है लेकिन कबूलीत सबसे बड़ी चीज़ है काबिल होना भी बड़ी बात है लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी बारगाह में कबूल भी है कि नहीं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद की तरफ बढ़ें मालिक की मदद का हसूल इख्तियार करने की कोशिश करें अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ें अगर अल्लाह की मदद नसीब हो ये जो हम जितना डरते रहते हैं सह में रहते हैं परेशान रहते हैं कोई क्या कर देगा हमारे यहाँ ना हर शोबे में माज अल्लाह एक माफिया है अल्लाह माशा वो माफिया कहता है मेरे साथ मिलोगे तो मैं चलने दूँगा वरना मैं नहीं चलने दूंगा मार्केट में आ ही नहीं सकता फलाना बंदा चूंकि यहाँ हमारा कब्जा है और मेरे भाई फिर बहुत सारे लोग जिनकी नीयतें और इरादे बड़े अच्छे होते हैं शुरू में वो भी उस माफ़िया का शिकार हो जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं याद रखना किसी शख्स की ब्लैक मेलिंग का कभी शिकार ना होना कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है हम ये डरे डरे सहम सहम परेशान परेशान फ़ैसला करने की ताकत नहीं मुझे चलना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देह खुदा क्या करता है हज़रत अब्दुल्ल इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने मेरी तरबियत फरमाईज़ूर ने मेरी तरबियत फरमाई और महबूब पाक सला सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना यह नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें परेशान लोग मेरी बात लिख लें जिनके पास कु्वत फ़ैसला नहीं वो इस बात को लिख लें हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ने फरमाते हैं मेरे नबी पाक सलाम ने मुझसे फ़रमाया था अब्दुल्ला सोन अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफ़ा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रज़ा ना हो और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो लोगों से डरना लोगों की तरफ़ देखना माहौल देख के अपने राह का तयन करना हर बंदे के ख्याल के मुताबिक ढलने की कोशिश करना फ़लाना ना नाराज़ हो जाए फलाना ना नाराज़ हो जाए ना वो जिसने होना हो जाए बस रब रसूल नाराज़ ना हो अपनी ज़िंदगी में अपने मालिक को मौला जान के बाल मौलाकुम अल्लाह तुम्हारा मौला है भाऊ व ख़ैरना शरीन वो बेहतरीन मददगार है तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें सोचों के जाविये सीधे रखें मेरे भाई मालिक जब बंदोबस्त कर देना जब मालिक बंदोबस्त कर दे फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता हजरत मरियम रदी अल्लाह तहा पाकबाज थी मस्जिद में रही थी पर मालिक की हमत के तकाजे बड़े अजीब है ना फिर जनाब मरीम को अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के औलाद अदा कर दी ये बात ही ऐसी थी ओ किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में संगे दर कबा से भी असनाम तराशे तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी? भी लोगों ने तो मरीम पे भी इल्ज़ाम तराशे तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा तेरा बाप तो ऐसा नहीं था कहाँ से ले आई अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं जरा अपने आपको वहाँ खड़ा करें कि एक पाक बाज़ औरत पाक बाप की बेटी तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज़ नहीं है कहाँ से लाई है अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी कुदे कितनी को वजाहतें करे और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया आप सुला की कोशिश करते हैं सामने वाला बुजदिल समझ लेता है ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे अल्लाह जब मददगार हो तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई उसने पत्तों से नहीं दिलवाई फिर फरिश्ते नहीं भेजे हजरत मरियम कहने लगे मुझसे ना पूछो वो जो पंगूढ़े में है उसी से पूछ लो उनसे पूछो ना वो कौन है पूछ लो उनसे कर लो सवाल उन्होंने कब पंगूढ़े में चंद दिनों का बच्चा ये ये जवाब देगा मददगार था रब उनकी बारात का ऐलान करना था मालिक ने और जब मालिक ऐलान कर दे जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे तो पंगूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्ला आता नियल किताब फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है मैं अल्लाह का बंदा हूं किताब लेके आया हूं नबी बन के आया हूं फिर पंगूड़े से ऐलान हो गया फिर बच्चा बोल पड़ा और ये एक दफ़ा नहीं बात हुई ये बनी इसराइल में एक जुड़ैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे बाज़ ने लिखा है नफ़ल नमाज थी अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं तो माँ के मुंह से निकल गया तो उतनी तो देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह ना देख ले तो वो इबादत गुजार थे लेकिन लोगों ने उनकी इबादत रियाजत पर को नहीं देखा बस एक औरत को भेज के इल्ज़ाम लगवा दिया वो औरत आया जाया करती थी अब आ जाती हैं औरतें मसला पूछने की नियत से भी आ जाती हैं माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं वो ख़ातून आती जाती थी उस खानका पे आस्ताने पे ये बुखारी में मौजूद है पर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे हालात ख़राब हो गए लोग कुटिया जलाने लगे माहौल और तरह का बन गया मेरे नबी पाक एक सलात तो व सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तो करीम है तेरी मशीयत का तकाज़ा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा अब तू ही कर्म करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूढ़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ वो जो बकरियाँ चराता है रब की मदद को पुकारें अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते सारी ज़िंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में सारी ज़िंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में उनको निन्यानवे दफ़ा दिया एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं तू था ही नहीं सारी ज़िंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती हमने खतीब को यौर रखना है न देखो दुनिया की तरफ दुनिया रुला देती है न राजी करो बंदों को बंदे थका देते हैं न पीछे भागो हर वक़्त दुनियादारों के ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं वो तो करीम ही बड़ा है दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है अल्लाह की मदद का हुसूल अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी आपको खद का मैदान भी यही सबक देगा फते मक्का भी यही सबक देगा मेरे दोस्तों जब रब मदद फरमाए जब अल्लाह मददगार बने दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूँ मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं बच्चियाँ हैं कारोबार नहीं ओ मेरे संगियों इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में उसके हुजूर अर्ज गुज़ार हो जाओ उससे तलब करो एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा सा पीछे हट गया है उसे यूँ लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूँ तो वो भाग जाता है मुझसे लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है रब रसूल के आस्थाने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज़ करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती हम ना हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है नहीं अल्लाह ही की मदद है लेकिन ये जो सेठों की तरफ़ तवज्जो करना नवाबों की तरफ तवज्जो करना दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगो दो में पहनाती है ये फख्र को ताजे सरदारा मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते भाई यू मिन हैसु ला तसिब मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा यहाँ से भी मिल सकता है तूने सोचा भी नहीं होगा बुखारी शरीफ हज़रत जाबिर अब्दुल्ला फरमाते नबी पाक वसल्लम ने ना तीन सौ लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए किसी जिहाद के लिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रार रदी अल्लाह तमीर लश्कर थे फरमाते गुरबत इतनी ज़्यादा थी भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को तीन सौ बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया ये बुखारी में मौजूद है आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था ठहराव था जब भूख से निढाल हो गए ना वह यर्ज़ुक हूँ सुलाया सलाम अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी बुखारी में लफ्ज़ हैं हजरत जाविर अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तु फरमाते हैं तीन सौ आदमी अट्ठारह दिन तक उस मछली को खाते रहे मछली खत्म ही नहीं हुई मछलियां नहीं मछली कहते हैं 18 दिन तीन सौ बंदा खाता रहा मछली खत्म ही नहीं हुई और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था दो उसके कांटे जोड़े फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौरे तेल के हम जिस्मों पर मलते थे बीमारों को उससे सुकून आता था तंदरुस्ती शिफा होती थी फरमाते हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया हम नर्ज की गजूर ये मम्मा क्या है ये माजरा क्या है तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास गज़ा नहीं थी रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है अल्लाह ने तुम्हें दिया है मकान शुरू कर लिया एक साहब ने वो मकान बनाने लगे आप वो हिसाब लगा रहे हैं कहते है, मेरे पास इतने पैसे हैं इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने दे दे, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने दे दे, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने दे। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म होया तो दसी सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए न कहता हो 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 कल ही मुंडा टोरिया कदे तू परसों दस दब जाने सन मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फ़लाना काम हम आपके साथ हैं कोई अल्लाह का ही कोई निज़ाम है वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता अल्लाह ताला बड़े इसबाब पैदा करता है वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी हमारा ये जहन बन जाता है हम सारी अपने हिसाब से चलते इतने रिश्तेदारों से इतने कौन आपके साथ चलेगा सवाल ही नहीं पैदा होता ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले दो रखते पढ़ो अपने रब की बारगाह में रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तगा से पेश करो वहां से खैर तलब करो दुनियादार क्या देंगे क्या दे सकते हैं क्या हसीयत तो होती है किसी अल्लाह कहते हैं वहां से दूंगा तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ पहुंच गया छोड़ो अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो किसी के संग मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं सही बुखारी से मुस्लिम से एक और बात कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है मदद मिलती है एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाजल होती वो है कि जब रब आपको ना तो फिर आप भी उसके रस्ते में दें फिर मदद आती है फिर और आता है बुखारी मुस्लह में अदीस है ये ज़्यादा ही तलब अमर है इस पर आप गौर करेंगे हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाकसलम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ आदमी का खेत और बाघ खुश्क हो गया है वहाँ बरसो और उसके खेत को सैराब करो वो तो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई वो बादल वहां बरसा फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला तो जिसने आवाज सुनी थी बयान कर रहे हैं वो भी पीछे पीछे चला के पानी किधर जा रहा है उसने जाके देखा कि के एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है उसने कहा क्यों कहने लगा बता ना उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फुलां के खेत को पानी दे दो उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे ये बुखारी पढ़ रहा हूं सियासता से अधी सर्ज कर रहा हूं उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक का वताल का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं पर जब फसल उगती है तो तीन हिस्से करता हूं एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे बहन भाइयों पे खर्च करता हूं एक हिस्सा पूरा और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूँ और तीसरा हिस्सा खालिश मैंने मस्किनों यतीबों और गरीबों के लिए रखा हुआ है वो जो तीसरा हिस्सा अल्लाह करे आप समझें वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना तो करीम मालिक ने फरमाया जहाँ से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए वो जहाँ से मस्किन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे जहाँ से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए मैं और आप भी अगर अपने माल में मस्किनों यतीमों गरीबों के से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी उनके अंदर ताजगी आएगी नूर आएगा करम आए ख़ास कर खुदा की रहमत बरसेगी मदद अल्लाह से चाहें अपनी तवज्जोहात का मरकज़ रब रसूल की जात को बनाएं फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह की मदद आने लगी है कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है इस लफ्ज़ में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे जेर हो जाता है ज़िंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है अगर आप ज़्यादती पे हैं तो फिर रब मज़लूम की जानब है अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और अगर आप मज़लूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं कहाँ भी हैं आप कमज़ोर हैं ताकतवर थे इब्तदा इस्लाम में जाहिरी ताकत थी कुफ़ार मक्का के पास वो डंडों से मारते थे गरीबों को उनके हाथों में डंडे थे पर खुदाई ताकत इन मज़लूमों के साथ थी साब जुरकानी ने लिखा है हज़रत जनैरा रदी अल्लाह तह एक लौंडी हैं गरीब हैं माड़े दा की काम मुहम्मद ना सजाना या रोना गरीब शादी बीबी और लौंडी कनीज़ा एक मुशरक़ की कनीज़ा थी इन्होंने कलमा पढ़ लिया वो डंडों से मारता दुर्रों से मारता तकलीफ़ देता हज़रत जनहरा रदी अल्लाह तह को इतना मारा इतना मारा अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है अल्लाह की मदद इधर ही है रब कहता है कि पहले तू सबर करना इन मीन तू सबर करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी जरा ठहरना तो थोड़ा डाँटना इन कल रब्लास्त काम तसलमलाय मलाइका तू कह अल्लाह मेरा रब है फिर तू पहले डाँट पहले तू ने डटना है सुमस्त कामू जो डट गया तत नज़लमलाय का डटने वाले के लिए मदद आती पहले थोड़ा खैरना पड़ता है पहले थोड़ा सबर करना पड़ता है हौसला करना उसके बाद मदद आती मार पड़ रही है मारा जा रहा है हज़रत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका वो मार रहा है ये कनीज़ा है माँ इतना मारा इतना मारा उनकी बिनाई चली गई नजर आना बंद हो गया अबू जहल आया और कहने लगा सुनहरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए माज अला लातो मनात तो हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है रोती जा रही है मायूसी मायूसी माज अल्लाह परेशानी गरीबी बड़ी है पूछने वाला कोई नहीं ये बातें नहीं क्या जुमले हैं खातून के क्या लफ्ज हैं अबू जाल ने तंजिया कहा माजअल्ला कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंदा कर दिया तो जनाबे जुनैरा आंखों की बनाई गई है रात को गई है दुख अभी ताज़ा है लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है इतना ताकतवर है उसमें इतनी गहराई है हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है क्यों मेरी बेनाई ले जाएं यह मेरी रब की हिकमत का तकाजा है जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बेनाई चली गई और अगर वो चाहेगा ना तो बेनाई वापस भी कर देगा अगर हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें अगर वो चाहेगा तो बेनाई आ भी जाएगी हजरत तो व जुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे अबू जाल और सारे कुफार डर के सुन के चले गए आप इतमिन से आके बिस्तर पे सोई जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी आंखों की अब छड़ी पकड़ी है बाजारों में घूमती है कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी आ मेरे साथ इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं बीमार लोगों याद रखो कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है तू बड़ा कमज़ोर है ये हो गया वो हो गया तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा कमज़ोर हो जाना परेशान हो जाना तकलीफ़ में आ जाना पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें रसूल कायनार से रिश्ता मजबूत करें अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वह रब का नाम लेके जी सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं तोकुल की बुनियाद पर बंदा खुशियाँ ले सकता है और अगर इंसान में तोकुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है वो नीले से भी डर रहा है वो पीले से भी डर रहा है वो फलाने से भी डर रहा है वो मेरे खिलाफ़ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा क्या करता है तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की रिस्क में मदद भी अल्लाह की फ़सलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे तो फिर सारी मदद और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएँ आप अल्लाह से मदद के सवाल ही बने तिर्मिजी की एक हदीस है मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ मज़ा देती है मेरे नबी पाकसलम ने फरमाया अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना मालदारों का ना कहना वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा रात को बैठो ना उसकी बारगाह में उसे दुखड़े सुनाओ छोटी छोटी बातें हजूर नहीं फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो छोटी छोटी बात से शुरू करो ना जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो बड़ी सारी चीज़ें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है मालिक मुझे ये चाहिए मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ आप ये करके तो देखें लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें उसके हुजूर जुड़ के तो देखें आप देखेंगे राहत कितनी है सुकून कितना है